हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नी हाओ, क्या हाल चाल आप लोगों के? मैडम क्या हाल चाल आपके? मेरे तो हमेशा ही मस्त रहते हैं, चकाचक। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सबवे सैंडविच, प्योर वेजिटेरियन सैंडविच। हम लोग एक बनाएंगे पनीर में और दूसरा बनाने जा रहे हैं हम लोग एग टिक्का सैंडविच। ये मेट्रो सिटीज में काफ़ी फेमस है सबवे, और हमारे कंट्री में तो नहीं मिलता, तो हमने सोचा कि आज आपको ज़्यादा हेल्दी दिखाया जाए जो कि इजी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और आप भी बना सकते हो अपने घर में, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है बस। तो हम आपको इंग्रेडिएंट दिखाते हैं, हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं आज। ओके, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा गार्लिक लोफ, और ये सर का आज का हथियार ब्रेड नाइफ। ये हमने लिए हैं दो एग, बारीक कटा प्याज, लगभग छोटा एक प्याज, और थोड़ी सी हरी मिर्च, एंड और क्या है हमारे पास? टमाटो केचप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, थाउजेंड आइलैंड, पेरी पेरी, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड सॉस, अमूल बटर, और हमारे पास है खूब सारी वेजिटेबल, रंग बिरंगी। हाँ, प्लेट कितनी चमक रही है आजकल। यस, और यहाँ पे हमारी घास नहीं, सॉरी, लेटस भी है जो हमें बाय चांस मिल गई, एंड ये ही इस सैंडविच की जान होती है, राइट। और वेज वाले के लिए हमारे पास पनीर भी है। सो स्टार्ट करें मैम? यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, और ये हमारे पास है चीज स्लाइसेस भी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ब्रेड, ये अंडों को जो ना लॉन्ग साइड कर देते हैं यहाँ पे, अंडे भाई का साइड हो जाऊँ। सो हमारे ये ब्रेड को जो है हम इसको पहले दो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होता है तो सैंडविच खाने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको दो पीस में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको बीच से टू पीसेस कर देंगे इसके हम। हमने थोड़ा वो रखा, उसको पूरा अलग नहीं किया। हाँ, हमको पूरा अलग नहीं करना है, हमको इसको जस्ट इस तरीके से खाना है इसको। ओके, सी, ये हमने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और बटर डाला है, और उसमें हमने डाली है ग्रीन चिली, और इसके साथ ही हम अपने जो अनियन को काट के रखे थे उसको हमने बटर के साथ ऑलिव ऑयल डालने का रीज़न आप लोगों को पता ही है, सिर्फ बटर डाल के अगर सौते करते हैं तो बटर जल जाता है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज कर सकते हैं, बट आपको टेस्ट ऑलिव ऑयल से ही आता है। शेफ क्या कर रहे हैं? पतले स्लाइसेस कर दिए। यहाँ हमारे प्याज हो गए हैं हल्के, इनको ला दी। ये प्याज हमारे हल्के से गुलाबी हो गए हैं, तो हम इसमें अभी जो एग बॉइल थे वो हम इसमें स्लाइसेस करके इसमें डाल देंगे। शेफ इसको ज़्यादा हिला नहीं रहे हैं। हम इसमें लेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर, स्पाइसी वाली चिली है, थोड़ा धनिया, धनिया पाउडर, और
अंडे भी सोच रहे होंगे उनके साथ इतना मसालेदार किसी काम किया नहीं। ये हमारा एग टिक्का रेडी हो गया है और बिल्कुल हमने स्लो पे बनाया है इसको, स्लो फ्लेम पे। और हमने इसको ज़्यादा लिक्विड ही नहीं दिया हुआ क्योंकि जब हम इसको बर्गर में डालेंगे तो लिक्विड हमको नहीं करना है। मैं आपको प्रॉपर एग टिक्का बना के अच्छे से लेकिन आपको अलग से रेसिपी इसकी बता दूंगा ढंग से, जो कि आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। उसके लिए आपको हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आप ये रेसिपी जानना चाहते हैं, तो हम एक प्रॉपर एग टिक्का रेसिपी आपके लिए ज़रूर पोस्ट करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और आप वो जब ट्राई करेंगे अपने घर में तो यू लव इट डेफिन। तो आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको एग टिक्का की रेसिपी आपको अगर चाहिए तो हम आपको वो पोस्ट कर देंगे। तो हमारा ये एग टिक्का अभी रेडी है, हम इसको एक प्लेट पे निकाल देते हैं। ये आपने चीज काटा, चीज को हमने ऐसे ट्रायंगल काट लिया और इसको हमारे ओवन तो था नहीं तो हम इसके हमने चीज को जो है पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था जिससे कि वो सॉफ्ट हो गया। अगर ओवन हो तो इसको इसके ऊपर लगा के थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए, आपको हल्का सा मेल्ट करके अच्छी से स्टिक हो जाएगा आपके लोफ के ऊपर। हाँ तो ऐसे भी चलेगा, हमने वैसे हमने पहले निकाल दिया था, ये हमारी ट्रिक थी और नहीं था तो हमने इसको पहले भी निकाल दिया। ओके, तो ये हमने इसमें हमारे दो सैंडविच बनने हैं एक साथ, ये तो कट गया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके ऊपर लेटेस्ट के जो पत्ते थे वो हम रख देंगे। इसके बाद हम अपने श्रेडेड लेटेस कलरफुल ना, ये हमने कैबेज इसके ऊपर रख दिया है और दूसरे को सैंडविच को हमने वहाँ पे साइड में रखा हुआ है। पहले हम इसमें एग वाला बना देते हैं। तो अब हमने एग अपना एग टिक्का रख दिया था ब्रेड पे, उसके बाद हम इसमें रख दिया है अपना कुकम्बर टमाटो। अगर आपको कोई सब्जियाँ नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा कैप्सिकम, आप चाहें तो कलरफुल कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं सैलेड के। अनियन, पर्पल कलर की कैबेज भी हम लोग यूज करते हैं पर वो आज अवेलेबल नहीं थी। और इसके बाद हम अब अभी अपना रोल के लिए फॉइल पेपर लेंगे। हमारे पास बटर पेपर नहीं था तो हमने इसे शेफ आपने ऑलिव्स नहीं डाले, ऑलिव भी डाल देंगे, ऑलिव भी डाल देंगे। मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूँ, ठीक है। और देन हमने इसमें डाल दिया थोड़ा, बिकॉज़ आई लव ऑलिव्स। ये हो गया हमारा और देन हम इसमें थोड़ा सा अपना सॉल्ट ब्लैक पेपर आप पेरी पेरी ना यूज करना चाहें, कोई भी नॉर्मल ग्रीन या रेड चिली सॉस यूज कर सकते हैं।
ये हमारा सैंडविच रेडी है, होममेड सबवे सैंडविच। और जो पनीर सैंडविच हम बनाएंगे, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अब इसके ऊपर अपना पनीर का स्लाइस लेंगे। सॉस कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे अपना मस्टर्ड सॉस। एंड थोड़ी सी केचप। अगर सॉस आपको अगर इसमें थोड़ी कम लग रही है तो हम इसमें सॉस और अपनी ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा लॉकडाउन लंच सबवे स्टाइल में, एग टिक्का सबवे सैंडविच और एक हमारा पनीर सबवे सैंडविच। तो जो हमने इसको सर्व किया है चिप्स के साथ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपने इसको ट्राई किया तो आपका कैसा रिजल्ट आया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।